7 दिसंबर 2021। अरे अभी वैसा नहीं, वैसा रोक के काटो तो वैसा बाद में, चूँकि अब जो पका वाला वैसा खिलेबे, ये तो रख दिया है, वैसा हमें रखना है अलग डलिया में। अभी देखिए बंदर भोज की तैयारी है, अकेले लोग कहेंगे लेबर रख लो, नौकर रख लो, नौकर का कोई भरोसा है आज के ज़माने में? रोज़ छुट्टी, 1 हफ्ता 10 दिन, 1 महीना गायब। तो जब आप अकेले ही अभ्यास करो, बेटी को लगाए, हमने कहा दो भैया थोड़ी देरी हो गई है, अब काटो इस तत्ता सामान, एक झोला भर के ये अमरूद हुआ, एक झोला वो, अब दो झोले लाद के ले जाएंगे। फोन आ गया, बाबा जी वो तैयार है, इसीलिए हम उत्तराली के लिए परेशान हैं। ससुरा मनहूस रिक्शा का आया कि अब क्या बताने, हम दो उल्टा सीधा अपने मन से किया तो अब हमारे लिए 2 कौड़ी का रहा। अब ट्राली हो, संदेश निकल जाए भैया ला दो, अब स्कूटर में कहाँ तक हम ला देंगे? देखो स्कूटर की हालत, ना गद्दी की हालत देखो, इसकी हालत देखो, नीचे देखो। हाँ थोड़ा सा काट दो, काहे के पहले अमरूद का ख़त्म करना है। और ये हो गया, जिनको भरें ला दें, अभी हैया छू में उठाएंगे, अभी इतना बड़ा बड़ा सामान हैया छू करके ऐसा ढकेलेंगे इसी के अंदर, अब तब साधेंगे, फिर एक के ऊपर एक फिर ला देंगे। हो गई ना 1.5-2 क्विंटल की गाड़ी, और तब इसको अभी पहले बैक करके सीधा करेंगे, और फिर पहलवानी करके हमको जाना पड़ेगा। ये ससुरा है जो, इसको हमने हम समझा खिलौना होगा, लेकिन है भी गाड़ी। और रायबली में व्यवस्था देखो, भीड़ भाड़ की सड़क पर इधर गाड़ी उधर गाड़ी, जी और उसी बीच में गाड़ी भी, ट्रक भी, एक्का भी, टेम्पो सब गुजर रहे हैं। और उसमें ये शहर के अंदर भीड़ भड़ाके में बड़ा एक्सपर्ट ड्राइवर होना चाहिए, इसीलिए इसको निकालने की हिम्मत नहीं पड़ी। और जब से आया सारा करोना के नाम पर ये, अब बैटरी इनकी रखे रखे ख़राब हो गई, हेडक है ससरा। अब उनसे बातचीत करेंगे, भैया इसको लौने पौने बेचो, हटाओ कूड़ा यहाँ से। तो अब वही हम सोच रहे हैं, जोगाड़ू वाला काम सबसे सुंदर खूबसूरत रहेगा, अच्छा रहेगा। और कहीं भी चले जाओ, आटा लाना है, कुछ लाना है, दूर दराज चले जाओ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसको खूबसूरती से बढ़िया बना दिया जाएगा, 1.5 लाख में तैयार हो जाएगा। तो इनको भरें, भर के ले चले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अकेले बेटी लगी हुई है, नौकर कहाँ है नौकर अब, है कोई ना बाबा, ना कोई साधु, ना कोई धर्मात्मा है आके मदद करे, नहीं, बस बाबा हैं, मंदिर है, एनजीओ लोग चला। अरे एनजीओ का मतलब क्या हुआ, क्या होता है वहाँ पर? जहाँ भाव नहीं है वहाँ कुछ नहीं है, यह सब चीज़ें जो सेवा वहीं होती है जहाँ एनजीओ का नामो निशान ना हो। निशा शर्मा को देखो, भोयन जी जो हैं वो तो अलग मिट्टी के बने हैं, काम भी करेंगे लेकिन ढंग से नहीं करेंगे। हमारे ढंग से चले होते तो अब तक ना मालूम कितना बड़ा बड़ा उनसे हम पुण्य करवा देते, इतना पुण्य कमा लो कि ससुरा जमराज भी आवे, एक बार तो निगाहें झुका के आवे। हम काहे बड़े बड़े मंदिरों के लिए चैलेंज कर देते हैं, हैं काहे बड़े बड़े महात्माओं के लिए हम चैलेंज बन गए, तो दम है, काम किया है, पूरी जिंदगी खपा दिया इसी ने, तब जा करके इतना प्राप्त है, फिर भी कोई अहंकार नहीं है, बस चैलेंज है। इसलिए कि आँखें खोलो, हमारे समाज में आँखें बंद हैं, सब हर काम उल्टा हो रहा है। नेता में वही लोग पहुंचते हैं जो 2-4 मर्डर करवाते हैं, बोलो वो उनको आप नेता बनाते हो, 2-4 मर्डर करवा दिया या यानी असलह गुंडे उनके पास में है जखीरा, बस आपने उनको नेता चुन लिया। इसलिए कि तुम्हारे अंदर कुत्तेपनी है, तुम दुम हिलाने की प्रवृत्ति है, तुम नहीं चाहते हो कि नहीं हम ऐसे आदमी को चुने जो अंदर से सही हो, बाहर से हो या ना हो, हैं वो हम उसी बाबा को बाबा माने जिसके खून पसीना एक करता हो, ऐसे ये प्रभु का काज है। हैं हनुमान जी ने तो काज किया, राम काज करवे को आतुर, तो हनुमान जी ने काम किया, और आप क्या कर रहे हैं? हनुमान जी के नाम से कमाई कर रहे हैं, बैठे खा रहे हैं बैठे बैठे, और बंदर भूखे मर रहा है, तो हम ही को दिखाई पड़ता है। हो गया, अब इसको भरेंगे, भर के ला देंगे, अब इनका काम छुट्टी हुआ। चलिए
हजारों वीडियो बना बना पुराने वीडियो हैं, इनको देखो 10 आदमी 5 आदमी देख रहे हो, इसलिए कि बिहार के सतीश कुमार ने बड़ी अच्छी बात कही। आज कोई दीपक साव हैं बिहार के, बाबा जी हमारा नाम ले लीजिएगा, हम पेटीएम, हमका कोई ज़रूरत नहीं पेटीएम और पैसा भेजने के लिए, जिसको अपना भोज में नाम करवाना हमको बता दिया करो, फ़ोन पर लाइव पर बोल दिया करो, ऐसे उत्साह बढ़ेगा आपका ना, कि भाई बाबा अच्छा है ना, पैसा देता है ना, कुछ करता है, और फिर भी देखो हमारे नाम से भोज किया, आपको अच्छा लगेगा, तो आप औरों से बताओगे, लोगों को प्रेरित करो। आज दिल्ली में 1 लाख रुपया महीना खर्च करने वाली सुमन माँ, तब उसको हम ही से तो प्रेरणा मिली, कितने बाग लग गए, बगीचे लग गए, कितनी रायबनी में पर्यावरण से संबंधित पेड़ पौधों की दुकानें खुल गईं। अरे वो काम करो जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए, तब वो काम कहा जाएगा। जैसे आज काशी नगरी, अयोध्या नगरी, वो कल्पना से बाहर की चीज़ है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि काशी नगरी अपने इस स्वरूप पर आ जाएगी, तो जो भी जिसके बदौलत हुआ है उसी का जयकारा करो। ये क्या एक बहाना बना लिया, भिंडी सस्ती हो, दाल महंगी हो, पेट्रोल महंगा है, हैं, ये तो रोना जिंदगी भर का रहेगा। ये देखो कितने बड़े बड़े काम, महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, काशी नगरी हमारे देश की धरोहर है, वो हैं देश की धरोहर, बाहर के जो बाहर विदेशी आते हैं वो दिल्ली जाएं चाहे ना जाएं, लेकिन काशी ज़रूर जाते हैं, समझ गए, काशी जाते हैं, प्रयाग जाते हैं, कह लिए जाते हैं। काशी नगरी एक ऐसी अद्भुत ऐसी स्थान है वो, जहाँ पर गंगा जी बिल्कुल चंद्राकार हो गई हैं, तब वो क्या अपने आप किसी ने किया उसको, हैं, सब प्रकृति की कृपा है, सब भोले की कृपा है, लेकिन हम केवल मंदिर तक भोले तक सीमित रह जाएं और गौ माता के ऊपर हम चर्चा ही न करें, इससे बढ़ के घटिया और शर्म की बात और क्या होगी। अरे वही तो आधार है, गौ माता को अगर कष्ट हुआ तो विध्वंस और विनाश हो जाएगा इस सृष्टि का, हिंदुस्तान छोड़ो, अगर मनुष्य हो तो मनुष्य बनकर रहो, जैसे जैसे धूप निकल रहा है तितलियां सब आ रही हैं, उड़ रही सब, ये देखो ये हाँ झोला है, आई है आई, एक ये तितली का देखो उड़ते उड़ते हुए पराग ले रही है, ये देखो उड़ते हुए, ये देखो, आओ 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 जरा यहाँ बैठ जाओ सामने फूल पर, भाई कहे घबरा रही है, आई थे वो काला काला मोबाइल देख के वहाँ भाग गई, हर फूलों का ये पराग लेती, झोला देना है, हाँ क्या भरी हो इसमें, इतना जखीरा हो गया सब लाद के फांद के, वही ट्राली वाला जोगाड़ी वाला है, मोटरसाइकिल हो पीछे ट्राली लगी हो, बाहर सामान लादो ना उतारना, भाई एक बार लाद दो काम खत्म, बर्तनों के बीच में ले जाके खड़ा किया, खाओ आराम से, अब इसमें गेहूँ भी इकट्ठा हो गया उनका, राधे बाबू का, मैंने कहा भी था गेहूँ ना भेजा करो, गेहूँ भैया देखो गेहूँ भी उनका क्या रखा, वो शाम को आएगा सोचेगा कहाँ रखे हैं, अब कहेंगे भैया गेहूँ उसी ड्रम में डाल दिया करो, यही उपाय है, किसका किसका देखे, किसका किसका करें, बाजरा महीनों से रखा है नहीं? सब देना है, एक आदमी कहाँ से करें बिना, अब नौकर ससरे मिलते नहीं, 4 दिन काम करेंगे फिर छुट्टी, जब छुट्टी लिया तो फिर अब हमारा काम तो 300 दिन का है, रोज का है, चले जय श्री राम, जय श्री राम।